सो हेलो माय बच्चा पार्टी। सो फाइनली एंड फाइनली आज अपन ने ट्रिग्नोमेट्री दी है, वीडियो खत्म कर देनी है। दिस इज़ योर थर्ड एंड योर लास्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री दी वीडियो शुरू करूँ तो पहला मैं थोड़े दो चार गल्लां करनियां ने। पहली गल तो ये कि आई वॉन्ट टू थैंक यू द जस्ट ट्यूटर सर, बिकॉज उन्होंने मतलब मेरा सिर्फ टीचिंग स्टाइल देख के मैनू इन्ना एप्रीशिएट किया है। एक न्यू कमर दे लई, मेरे वर्गे एक न्यू कमर दे लई बहुत वड्डी चीज़ हुंदी है कि तुहानू तुहाडे सीनियर टीचर्स तो एप्रीशिएशन मिल रही है। एंड आई फील माई सेल्फ वेरी लकी जो मैंने सर ने पूरी लाइव सैशन के जोड़ा है वो मैं मोटीवेट किया, मैं गाइड किया और मैं प्रेस किया। सो थैंक यू सो मच सर अगर तुम वीडियो देख रहे हो। सैकेंड गल रहा जो बच्चे नवे आए नेंगे चैनल से, उन्होंने मैं थोड़िया गल् दसनिया ने कि अपने चैनल से कुछ प्लेलिस्ट पईं हुई ने। देखो मैं नहीं कहती कि मैं तुम्हें सफिशियंट तैयारी करवाई है, लेकिन जी मिनिमम रिक्वायरमेंट है यानी कि 33% मार्क्स की मैं तुम्हें तैयारी करवाई हुई है, ठीक है। सो जिहड़े बच्चे नवें आए ने रजो, तुसीं एक बार जाके चैनल ते जो जाओगे ना तो प्लेलिस्ट वाला सैक्शन बनया हुआ, तुसीं उत्थे जाके एक बार जरूर देख लियो, तुहानू बहुत हैल्पफुल वीडियोज़ मिलणगियां, ठीक है। और अगर तुहानू हैल्पफुल लगियां तो प्लीज़ लाइक भी कर दिओ चैनल नू ते सबसक्राइब भी कर दिओ, बट ओनली वैन जो तुहानू वीडियोज़ अच्छिया लगियां और तुहाडी सीरियसली समझ दे विच आया। सो चलो रजे विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम आपां शुरू करदे हां। 10th क्वेश्चन तो आपां शुरू करदे हां। सो 10th क्वेश्चन दे विच उन्होंने आपां नूं दित्ता होया कि कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू आपां नूं अंडर रूट 2 दे इक्वल दित्ती हुई है और आपां ने किहदी वैल्यू पता करनी है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू पता करनी है। अच्छा उस तो पहला मैं एक होर चीज़ दसदा, मैनूं विच ना कई बच्चों के विच मैसेज आए, अरे मैम आर यू श्योर कि यही एग्जाम आएगा। अरे बई नो बडी इज श्योर, ठीक है, लेकिन सारे करवा रहे हैं ना और तुम कर रहे हो ना, सो दैट मीनस ये नहीं कोई गल होंगी कि मैम सच्ची में यही क्वेश्चन आएगा। सो मतलब मैं थोड़ी जाके क्वेश्चन पेपर पा रही हूँ, ठीक है, बट आप पॉसिबिलिटीज़ के आधार पर चलते हैं, ठीक है। जो चीज़ा मतलब मैं तुम्हें दसदी हाँ, जिम्मे अज मेरा पेपर से ना इनकलूसिव एजुकेशन का है ना, सो जे पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने उ रिपीट होए हुए थे एज इट इज़। सो दैट मीनस आप पॉसिबिलिटी ला के चलते हैं कि जो पैटर्न पहले आया हुआ उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही तुहानू पेपर आएगा, वो पैटर्न के बेसिस से ही मैं तुहानू इंपॉर्टेंट तैयारी करवा रही हूँ, बिकॉज हर एक सब्जेक्ट या हर एक टॉपिक नू तैयार करवा दा ना तो हुण तुहाडे कोल टाइम बचे और ना ही मेरे कोल टाइम है, जस्ट बिकॉज मेरे एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाने की कोशिश कर रही हूँ। ये ट्रिग्नोमैट्री का अज आप खत्म कर देने और इस ट्रिग्नोमैट्री तो बाद आई एम डैम श्योर कि 99.99% जो एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे तो हाथों सॉल्व हो जाएंगे। चलो जी हम शुरू कर दें। सब तो पहला जो आप चीज़ लिख लेंगे जो आपको दी हुई है, आपको की दिता हुआ है, दैट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 कॉस थीटा। ये आपको वैल्यू दी हुई है और आपको कौन सी चीज़ पता करनी है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पता करना है। देखो सब तो पहला तो यह चीज़ है कि इन दोनों के कॉमन ये चीज़ है कि आप इन्हों कट्ठा लैके आ सकते हैं, ठीक है। तुम्हें यह फॉर्मूला याद होएगा किड़े वाला फॉर्मूला, जो आप अलजैबरिक फॉर्मूला लगाने होंगे ए प्लस बी होल स्केयर और ए माइनस बी होल स्केयर, दोनों के कॉमन ये है कि ए बी अपने कोल इकट्ठे आ जाते होंगे। सो सब तो पहला आप करेंगे जो ए वाला अपने कोल फॉर्मूला है आप स्केयर कर देंगे, दोनों साइड आप करेंगे स्केयर कर देंगे। चलो आप दोनों साइड की कर दें, स्केयर कर दें। हूँ यही अपना ए बी प्लस हो ए प्लस बी होल स्केयर फॉर्मूला बन गया। हूँ आप लगा दें, देखो अपने की किया कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा प्लस 2 ए बी हों ना 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 वो पावर की थी, दैट मीनस 2 बाहर आ जाएगा और अपने को ले की बाहर आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा, मतलब बाहर तक ही आएगा कॉस स्केयर थीटा रह जाएगा, ठीक है जी। सो इतने तक आ गया। हूँ तुम इतने किसी बच्चे ने कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल्स टू 1 नहीं करना, वैसे तुम कर भी सकते होंगे लेकिन आप इतने नहीं करा, क्यों नहीं करा, क्योंकि देखो अगर मैं इस कॉस स्केयर थीटा ऑपोजिट साइड तो दूसरे पास लै जानी हाँ तो इधर भी अपने को कॉस स्केयर थीटा पे है तो यह आपस माइनस हो जाएंगे। सो इस करके ये दोनों वैल्यूज में आप उधरली साइड लै चलते हैं, दैट मीनस मेरे को की रह गया 2 कॉस थीटा साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्केयर थीटा माइनस आ वाला कॉस स्केयर थीटा और ये साइन स्केयर थीटा भी आप उधर लै गए, ठीक है। जो उधर जाएंगे तो निशानियां चेंज हो जाएंगी ने, वेरी गुड। हूँ देखो ये 2 कॉस स्केयर थीटा है अपना कॉस स्केयर थीटा, दैट मीनस अपने को कितना रह जाएगा कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा। इतने तक सारे क्लीयर है 2 कॉस थीटा और सेम चीज़ लिख रही हैं 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये अपने को आ गई वैल्यू आ गई इतने तक। हूँ देखो जो चीज़ आपको स्टार्टिंग दी हुई सी तो आप कट्ठी ले आती 2 कॉस थीटा साइन थीटा, लेकिन आप पता की करना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हूँ तुम इतने लिखो कॉस थीटा
माइनस साइन थीटा। हूँ देखो ये आप कर सकते हैं, ए वाले आप कर सकते हैं कि अपने को दोनों जने कट्ठे आ जाए, दैट मीनस ये भी फॉर्मूला लगाना पेगा, दैट मीनस ये भी अपने की करना, ये भी आप स्केयर कर देनी है। सो क्योंकि जी चीज़ आप पता करनी होंगी आप एक्स रख लें, सो क्योंकि हूँ आप स्केयर की है तो आप इतने एक्स की भी स्केयर करा। गल समझ रहे हो ना कि जी चीज़ आप देखो इक्वल टू है, जी चीज़ तुम मतलब खब्बे पास करोगे उही तो सज्जे पास करनी पेगी, क्लीयर है ना। सो देखो हूँ आप फॉर्मूला लगा दें, हूँ ये अपना कहड़ा फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस b होल स्केयर, दैट मीन्स ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा माइनस टू कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर। रजे मैंने एक मिनट दो, मैं माड़ा पखा बंद कर आवा क्योंकि थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, जस्ट गिव मी वन मिनट। ओके हूँ सही है, ओके सो हूँ आप सैट कर लें, ठीक है। हूँ देखो तो साफ साफ की दिख रहा है तो अगर तुम ध्यान दो तो आप जी चीज़ पहला पता की आप टू कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू पता की है, मैं तुम्हें हाईलाइटर नाल दिखानी है, ये आप टू कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू अपने को दिती हुई है और आ भी अपने को टू कॉस थीटा साइन थीटा पिया, दैट मीनस ये वाली वैल्यू आप इतने पुट कर दें, चलो आप इतने पुट कर दें। सो अपने को आएगा कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा माइनस ब्रैकेट के आप वैल्यू लिखा कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर। हूँ आप ब्रैकेट के बाहर कड़ लें, दैट मीनस अपने को आ गया कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा, और ये माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस हो जाएगा साइन स्केयर थीटा विच इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर। हूँ देखो औखे ने, औखे आप नहीं कह सकते, जिहड़े बच्चों को तो ट्रिग्नोमैट्री आती है उन्होंने लिए औखे नहीं है, लेकिन जिन्हों का ट्रिग्नोमैट्री हाथ टाइट है उन्होंने बहुत लेंथी लग रहे होंगे, ठीक है। सो हूँ तुम देख लियो कि तुम ये क्वेश्चन करने ने कि छड़ने ने, डेफिनेटली तुहाडी कॉल है उहदे च आपां कुछ नहीं कर सकते, मेरा काम तो सिर्फ दसना है, तुहानू समझाना है जो कि मैं कर रही हूँ, ठीक है जी। ओके रजे हूँ तुम ध्यान देखो, ये भी अपने को कॉस स्केयर थीटा है, भी प्लस द ए माइनस द, दैट मीनस कट्टे गए। सो अपने को आ की रह गया साइन स्केयर थीटा और साइन स्केयर थीटा, दैट मीनस अपने को आ गया टू साइन स्केयर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर। हूँ अपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जानी मैं तुम्हें एक बार इदा लिख के दिखा दिनी हूँ क्योंकि कई बच्चे ना इदा कंफर्टेबल होंगे ने। सो हूँ मैं तुम्हें इतों एक्स की वैल्यू पता कर दिनी है, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट टू साइन स्केयर थीटा, दैट मीनस तुहाडा आंसर की आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट टू साइन थीटा, बिकॉज अ स्केयर सी ना तो बाहर आ गया, ये वाला तुहाडा की आ गया एक्स की वैल्यू आ गई, यानी तुहाडा आंसर आ गया। हूँ आप ऑप्शन के देख लें, देखो ऑप्शन के प्लस माइनस अंडर रूट टू साइन थीटा, लेकिन अपन ऑप्शन अंडर रूट टू साइन थीटा दिता हुआ, दैट मीनस यह सही है, ठीक है। हूँ कई बच्चे कहेंगे मैम अगर इतने माइनस भी आ गया जी तो दैट मीनस उत्थे तुहाडी कोई ऑप्शन होएगी बोथ ए एंड बी या बोथ सी एंड डी, सो सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुम्हें हमेशा ऑप्शन टिक करनी होंगी ना कि आंसर के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो आई होप तो ये वाला क्वेश्चन पूरे का पूरा क्लीयर होएगा कि मैं किस तरीके नाल कढ़िया। अगर किसी भी बच्चे हजे भी प्रॉब्लम है तो तुम जो है रजे दोबारा इस वीडियो में देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती वीडियो बहुत लेंथी बन जाए, सो दैट्स वाई मैंने इदा कि मैं फटाफट तुम्हें ये वाली वीडियोज़ करवा दा, ठीक है। ओके नैक्सट चलते हैं आ वाला जो रजे ए वाला क्वेश्चन है, योजा होमवर्क है और होमवर्क तुम ही कर पाओगे जी इस तो पहला मैं कोई दो क्वेश्चन वाली एक तुम्हें वीडियो पाई है ना, अगर तुम वीडियो देखी होगी तो ही तुम ये वीडियो कर पाओगे, आ वाला क्वेश्चन करवाओगे, ठीक है। कॉट थीटा की देखो वैल्यू कितनी है 3/5, ठीक है। कॉट थीटा उधर ये जो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके की हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सो इस तरीके जी है यदि वैल्यू कढ़ लैनी है। ओके रजे उस तो बाद इतने वैल्यूज पुट करके इनू सॉल्व कर लियो और उस तो बाद मैंने कमेंट सैक्शन से आंसर भी जरूर दसना कि आंसर कि आया, क्वेश्चन नंबर 11 पा दिया करो नाल सीधा आंसर नहीं पाना है, ठीक है जी। ओके रजे हूँ देखो सॉरी थोड़ी फोल्ड करनी पेगी नोटबुक सह चढ़ जाता बई कराते क्योंकि अजे फैसिलिटीज़ नहीं है, बट कोई गल नहीं कृपा नाल अपने को भी कदम फैसिलिटीज़ हो जाएगियाँ, सो चलो आ चुके रहा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो की है, साइन ए प्लस 36 इज इक्वल्स टू कॉस ए और वेयर ए प्लस 36 इज एन अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल पता सारे की होंगे, चलो मैं ही दस दिनी हाँ, अक्यूट एंगल होंगे जो 0° तो ज़्यादा होंगे तो 90° तो घट होंगे, उन्होंने आप अक्यूट एंगल बोलते हैं पंजाबी मीडियम वाले, हो तुम सुन लो इन पुत्र आप न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है जी। सो उन्होंने अपन की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा, ए की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा। हूँ मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन करवानी है सॉल्व, इतने आप क्वेश्चन लिख देंगे सीधा, मैं तुम्हें लिख के दिखा दिनी हाँ। क्वेश्चन नंबर 12 आप कर रहे हैं, साइन ए प्लस 36° अपन दिता हुआ कॉस ए, ठीक है, और आप बस ए की वैल्यू इतने पता करनी। हूँ रजे मेरी गल बहुत 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 ध्यान देखियो,
अपने को कॉस ए है, अगर तुहानू तो याद हो सब तो पहला मैं परसों चौथे जी तुम वीडियो पाई सी जिसे मैं तुम्हें ट्रिग्नोमैट्री का बेसिक करवाया सी तुम्हें दसिया कि अगर अपने को साइन 90 माइनस ए हों तो वो अपने को इक्वल होंगे कॉस ए, जिन्होंने ये नहीं पता वो वीडियो देख के आन पहला मैथ की प्लेलिस्ट पई हुई है, जिन्हें इदा कॉन्टीन्यू करना वो इदा भी कॉन्टीन्यू कर सकते, कोई चक्कर नहीं है। सो दैट मीनस रजे आप इनू तो एज इट इज़ लिख लिया साइन ए प्लस 36 विच इज़ इक्वल्स टू इस कॉस ए हूँ मैं की लिखूंगी, इनू मैंने लिख लिया साइन 90 माइनस ए। क्यों मैं लिखिया ताकि मेरे को साइन साइन सेम हो जाए और मैं इन्हों इक्वल कर सकें, क्योंकि अगर ये साइन सेम ने दैट मीनस एक हिसाब से अपना थीटा आ गया और थीटा दी वैल्यूज़ भी सेम होनगिया, दैट मीनस ए प्लस 36 इज इक्वल्स टू 90 माइनस ए। नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, यू पीपल नो हाउ टू सॉल्व इट राइट। एक पास वेरीएबल कर लैने होंने एक पास कॉन्सटेंट कर लैने होंने, सो दैट मीनस ए माइनस ए जो मैं उधर लैके गई तो मेरे को ए प्लस ए विच इज इक्वल्स टू 90 माइनस 36। ए प्लस ए की हो जाएगा अपने को 2a हो जाएगा, 90 के 36 माइनस जाएंगे तो 54 हो जाएगा, दैट मीनस ए की वैल्यू आ जाएगी 54 बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 27 डिग्री। सो रजे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 27 डिग्री अपना की आ गया आंसर आ गया। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए वाले आने के चांसिस है ही नहीं, तो आने के चांसिस की थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सच ही थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सो दैट मीनस आ वाली चीज़ें देख के जाओ। तुम्हें याद है ना मैं कोऑर्डिनेट करवाया सी तुम्हें और मैंने दसिया देखो 90 के माइनस हो रही है चीज़, ठीक है 90 के माइनस यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट जा रहे हो, और मैं तुम्हें कराया कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के सारे की होंगे ने पॉजिटिव होंगे ने, इतने एक साइन पॉजिटिव होंगे और साइन का ऑपोजिट कोसीकेंट पॉजिटिव होंगे, इधर टैन पॉजिटिव होंगे तो कॉट पॉजिटिव होंगे, इतने कॉस पॉजिटिव होंगे तो सीकेंट थीटा पॉजिटिव होंगे, करवाया सी ना। सो जो बच्चों ने नहीं पता और अजे पहले वो वीडियो देखे सो दैट तुहाडे कॉन्सैप्ट क्लीयर हो जाए, क्लीयर है 12th क्वेश्चन, वेरी गुड। आज नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले आप जी अपनी शीट है वो चेंज कर लीए। देखो रजे जिहड़े बच्चों ना ट्रिग्नोमैट्री बिल्कुल नहीं आती मैं उन्होंने यही सुजैस करूँगी कि हूँ ट्रिग्नोमैट्री नाल पंगे ना लो, क्योंकि जे हूँ तो असीं ट्रिग्नोमैट्री नाल पंगे लैन लग गए ना तो फिर ये पेपर जो तुहाडे नाल पंगे लेगी, सो कोई फायदा नहीं है। सो इसलिए अगर तुहानू ट्रिग्नोमैट्री पहला आती है 10th दे विच तां ही हूँ इहनू करियो, ठीक है, अदरवाइज नहीं मैं एक होर तरीका दसूंगी कि तुसीं किवें कर सकदे हो, सो वीडियो दे विच बने रहियो, ठीक है। इहदा अपने कोल आंसर की आया 27, सो इहदा आंसर आ गया 27। हुण देखो 13 क्वेश्चन देख नहीं रहा, एक मिनट फोल्ड कर लिए नोटबुक। हूँ आ 13 क्वेश्चन देख लो की है, अंडर रूट 1 प्लस साइन 5 अपॉन 1 माइनस साइन 5 ये वैल्यू पता करनी है। हूँ ये भी थोड़ा प्रीवियस ईयर आई थिंक ए नहीं है बट ये आने के चांसिस है बिकॉज काफ़ी डिमांडेबल क्वेश्चन है, ये आप प्रमेयीकरण करते होंगे, प्रमेयीकरण की होंगे रैशनलाइजेशन करते होंगे, ठीक है। तुम्हें पता है ये अपना की है न्यूमरेटर एक ही है डिनोमीनेटर यानी यह पंजाबी अपना अंश है और ये कौन है हर। हूँ देखो आप इनू किवें सॉल्व करांगे, मैं तुम्हें हिंट दे दिनी हूँ पूरा सॉल्व तुसी कर लियो, ठीक है, क्योंकि कितने पहला वागू वीडियो ना खड़ जाए फिर पूरे का पूरा मज़ा ही खराब हो जाता जो इस तरीके फोन धोखा दे जाता है ना। चलो 13 क्वेश्चन मैं तुम्हें स्टेटमेंट लिख के दे दिनी हूँ, स्टेटमेंट की है राजे, अंडर रूट 1 प्लस साइन 5 अपॉन 1 माइनस साइन 5, ठीक है। उत्थे हुण ए ना समझ लियो कि आज की आ गया जी की आ गया, यह 5 बोलते आप इन यदि जगह तुम्हें कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तुम्हें यदि जगह जो है थीटा भी आ सकता है और कुछ भी मतलब कुछ भी आ सकता है। चलो आप सॉल्व कर दें राजे। हूँ देखो जी रजे तुम्हें पता प्रमेयीकरण किमें करते होंगे, जी अपने को नीचे वैल्यू होंगी है यानी जो अपना यह की होंगे न्यूमरेटर आह डिनोमीनेटर है ना, सो जो अपना यह डिनोमीनेटर होंगे आप करते होंगे सेम वैल्यू लिख दें लेकिन आप साइन चेंज कर दें यानी 1 प्लस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5, ठीक है जी। आपने की करता है प्रमेयीकरण करता, ठीक है। हूँ देखो रजे आपने की करना, हूँ देखो आह क्योंकि दोनों अंडर रूट है मल्टीप्लाई हो रहा, सो पहला आप करते हैं एक ही अंडर रूट के लिया एक ही छत के हेठा ले आने, सब तो पहला वैल्यूज़ लिख लो 1 प्लस साइन 5 अपॉन 1 माइनस साइन 5 मल्टीप्लाई हो रहा कि 1 प्लस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5, वेरी सिंपल। हूँ देखो ध्यान न देखो आ भी 1 प्लस साइन 5 है तो आ भी 1 प्लस साइन 5 है, दैट मीनस ये कि इक्वल हो जाएंगे, ए इक्वल हो जाएंगे 1 प्लस साइन 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम ही नहीं है 1 प्लस साइन 5 ये भी सेम है, सो अपन ने की लिखता 1 प्लस साइन 5 होल स्क्वायर, ठीक है। हूँ देखो नीचे आह अपने को 1 माइनस साइन 5 है, यह 1 प्लस साइन 5 है, ये चीज़ देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहे कोई ए माइनस बी ए प्लस बी द फॉर्मूला याद आ रहा विच इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर फॉर्मूला याद है वाला, ठीक है। आप एवें लिख देंगे ए माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है।
याद ही होएगा हूँ तो अभी 10th करके आए हो इन्ना भी कोई तो खास टाइम नहीं होया 10th की तीनों कि तुम ये फॉर्मूला भूल जाओ बहुत बेसिक फॉर्मूला है। हूँ देखो रजे यही अपना ए है यही कौन है बी है यही ए है यही बी है यदा फॉर्मूला की बनेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर दैट मीन्स वन स्केयर माइनस बी स्केयर यानी कि साइन फाइव स्केयर। आ गल क्लीयर है इतने तक क्लीयर है दोबारा एक बार देख लियो की है हूँ आप इतने तक पहुँच गए। हूँ तो याद होएगा आप एक फॉर्मूला करते होंगे साइन स्केयर थीटा दिस इज द वेरी बेसिक फॉर्मूला साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल्स टू वन। हूँ इतने फाई है तो इन फाई समझ लियो इतने फाई समझ लियो ठीक है। हूँ देखो रजे अपन ने की करना अपन वन स्केयर माइनस साइन वन माइनस साइन स्केयर फाई की वैल्यू चाहिए है यानी अगर मैं साइन स्केयर फाई उधर लगी तो मेरे को कॉस स्केयर फाई इज इक्वल्स टू वन माइनस साइन स्केयर फाई आ गया ठीक है। हूँ वन का स्केयर तो वन ही होएगा चाहे वन का तुम एक लख स्केयर कर दो भी वन ही आएगा सो दैट मीनस वन माइनस साइन स्केयर फाई यानी वन माइनस साइन स्केयर फाई मैं की लिख सकती हूँ कॉस स्केयर फाई सो दैट मीनस ए वाला मेरे को आ जाएगा उपर तो मेरे को वन प्लस साइन फाई का होल स्केयर चल रहा है नीचे मैंने इस चीज़ को सॉल्व करके की लिख लिया कॉस स्केयर फाई लिख लिया सो इतने की आ गया रजे अपना कॉस स्केयर फाई आ गया। हूँ क्योंकि यह अपना वर्गमूल है तो जी अंदर स्केयर वाली रकम ने दैट मीनस अंदर बाहर सिंपल सिंपल वैल्यूज आ जाएंगे यानी वन प्लस साइन फाई अपॉन कॉस फाई इतने तक क्लीयर है ओके वेरी गुड। हूँ समझो ध्यान नाल सॉरी रजे सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस थोड़ा जहा एडजस्ट कर लियो है ना क्योंकि मैं एग्जाम तो नाल दी नाल आके मैंने हजे लंच भी नहीं किया और ब्रेकफास्ट तो मैं करके ही नहीं जाती होंगी लेकिन मैंने सीखा कि मैं पहला वीडियो फटाफट खत्म करा क्योंकि बस मेरा वीडियो जी ध्यान से पूरा कि फटाफट खत्म करा मैं ट्रिग्नोमैट्री है ना सो दैट थोड़ा फटाफट ये टॉपिक एटलीस्ट कवर हो जाए। हूँ देखो जो वन प्लस साइन फाई के नीचे की है कॉस फाई यदा मतलब जोड़ा ही कॉस फाई है यह इस वन के नाल भी डिवाइड हो रहा है तो जोड़ा ही कॉस फाई है वो इस साइन फाई के नाल भी डिवाइड हो रहा है इतने थोड़ा नंबर देखो अगर फॉर एग्जाम्पल वन प्लस टू बाय थ्री है दैट मीनस ये थ्री वन नाल भी डिवाइड हो रहा है और थ्री है जोड़ा ही टू नाल भी डिवाइड हो रहा है ये वाली चीज़ समझ गए वही सेम चीज़ यही है दैट मीनस इनू मैं इमें लिख सकती हूँ वन अपॉन कॉस फाई प्लस साइन फाई अपॉन कॉस फाई। अच्छा आंसर तो हम इस फॉर्म च भी आ सकता है पहला देख लियो कि ऑप्शन च कितने ए वाली फॉर्म तो नहीं हैगी अगर नहीं हुई फिर इनू अगे सॉल्व करना है ठीक है। मैं अगेन कह रही हूँ राजे आंसर हमेशा सिचुएशन से डिपेंड करते हैं ठीक है। हूँ देखो वन बाय कॉस फाई मैं तुम्हें दसिया सी कॉस की ऑपोजिट हूँ सीकेंड का सो इतने अपने को आ जाएगा सीकेंड फाई आ जाएगा साइन अपॉन कॉस की हूँ टैन फाई सो दैट मीनस अपने को ओवरऑल आंसर की आ गया सीकेंड फाई प्लस टैन फाई अपना की आ गया रजे आंसर आ गया। हूँ आप आंसर लभ लें एक मिनट मैं फोल्ड कर ला नोटबुक हूँ आवला क्वेश्चन करके हटे और यह आंसर की आया सीकेंड फाइव प्लस टैन फाइव सो यह आ गया रजे अपना आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देख लो देखो टैन ए की वैल्यू दी हुई है एक्स अपॉन वाई कॉस ए की वैल्यू पता करनी है भी थोड़ा काइंड ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये तो खुद कर लोगे सॉल्व वीडियो बहुत लेंथी होगी और अजय मैं बहुत क्वेश्चन करवाने नहीं मैं नहीं चाहती तीन चार पार्ट बन जा चलो मैं फिर भी करवाई दिनी तो हिंट दे दिनी है ना थोड़ा जहा ओके हिंट दे दिनी हिंट समझ लो रजे 14th क्वेश्चन है देखो टैन ए की वैल्यू तो किन्नी दी है एक्स अपॉन वाई दी है ठीक है। हूँ तो इन्ना पता है कि जो टैन ए है किल हों किल हों परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे यानी परपेंडिकुलर कि एक्स है और बेस कि वाई है एक बार ड्रॉ करके दिखा दिनी हाँ फॉर एग्जाम्पल यह अपना संपूजी त्रिभुज है ठीक है आह परपेंडिकुलर कि एक्स है और बेस कि वाई है तो सीधी जी गल करन तो पता ही होएगा कि होंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल ठीक है। हूँ आप वैल्यू कि पता करनी है राजे अपने वैल्यू पता करनी है कॉस ए की वैल्यू पता करनी है हूँ तुम्हें कॉस ए पता की होंगे बेस अपॉन हाइपोटीन्यूज ठीक है बेस कि अपना वाई है और हाइपोटीन्यूज कि आ गया अंडररूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर सो दैट मीनस ये तो आंसर आ गया ये तो बहुत सौखा क्वेश्चन से है ना ये तो सबन समझ लग गया होएगा सो दैट मीनस अपना जो आंसर आ गया वो की आ गया वाई अपॉन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर दिस इज अवर आंसर। सो ये इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है ये जोड़े थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हजे रेंदे नहीं करवाने वाले हूँ मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें नैक्सट पार्ट बनवा दा प्रीवियस ईयर का चलो देख दी क्योंकि फिर वीडियो भी अपलोड नहीं होनी अदरवाइज है ना चलो 15th क्वेश्चन देख लो की है दिस इज लास्ट क्वेश्चन एंड बहुत ईजी क्वेश्चन है दिस इज ऑल्सो योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हूँ देखो रजे अंडर रूट थ्री कोसीकेंट 60 डिग्री माइनस सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू तुम्हें पता करनी है वेरी ईजी क्वेश्चन तुहानू मैंने जी प्रीवियस ईयर वीडियो करवाई सी उहदे च मैंने तुहानू दस्या सीगा कि किस तरीके नाल तुसीं इह वैल्यूज़ याद रखनियां मैं तुहानू पूरी तो पूरा तरीका समझाया सी कि अगर तुहानू सिर्फ साइन दीआं वैल्यूज़ भी पता नहीं तो तुसीं पूरे का पूरा टेबल बना सकते हो उहदे तो ठीक है लेकिन फिर भी वो रिस्क नहीं आपां ने लैणा तुसीं वैल्यूज़ याद करके ही जायो। देखो
अंडर रूट थ्री कोसीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू रजे की होंगी है 2 बाय रूट थ्री, फिर आ माइनस आ गया अपने को सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होंगी है 2। हम देखो आह रूट थ्री नाला रूट थ्री कटिया गया दैट मीनस 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। दिस इज द वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो अपना किन्ना आंसर आ गया 0। सो जे मैंने तो क्वेश्चन तैयार किए थे वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी इस करके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने मैं तुम्हें एक बार दिखा भी दिनी हाँ ये वाले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने, ठीक है ये वाला हो गया मैंने तुम्हें करवाने ये वाले क्वेश्चन तुम्हें करवा देने सो दैट तुम्हारे एक बार ये जो है निगाह थलों की निकल जाए, ठीक है जी। सो रजे मेरी गल ध्यान नाल सुनो, जिहड़े बच्चों का मैं फिर कह रही हूँ कि ट्रिग्नोमैट्री जो हाथ ठीक है उही हूँ ट्रिग्नोमैट्री नाल पंगा लियो, जिहड़े बच्चों का इधर हाथ टाइट है हुण रहन दो क्योंकि हुण वो टाइम नहीं है कि तुसीं कोई नवा कंसैप्ट सीख सको, ठीक है। हुण टाइम की है कि जिहड़ा चीज़ तुहानूं आउंदी है हुण उहते ज़्यादा तो ज़्यादा ध्यान दे के उहनूं पक्की कर लो, लेकिन बस इन्नी गल याद रखियो कि तुहाडे कोल तीन चीज़ां ने, एक तुहाडे कोल इंग्लिश है, एक तुहाडे कोल मैथ है और एक तुहाडे कोल साइंस है। इंग्लिश दे विच तुहानूं 10 नंबर तक किसी हालत च चाहिए ने, मैथ दे विच तुहानूं 11 नंबर ते साइंस दे विच वी तुहानूं 11 नंबर किसी भी हालत च चाहिए ने, ते ओवरऑल 50 तां तुहानूं लैके आने ही पैणगे। ये कंडीशनस ने गियां, कादियां कंडीशनस ने, एग्जाम नूं क्वालीफाई करन दियां कंडीशनस ने, ठीक है। उस तो बाद फिर की होएगा, अच्छा कई बच्चे ने जिहड़े मैनूं कहिंदे ने कि मैम साडे ना मार्क्स ने जिहड़े 10th दे विच ओह घट आए ने कि असीं एग्जाम दे सकदे हां। देखो तुसीं एग्जाम तां दे दोगे, एग्जाम तो तुसी दे दोगे, लेकिन जो तुहाडी डॉक्यूमेंट काउंसलिंग होंदी है ना काउंसलिंग, उहदे च सिर्फ तुहाडियां चॉइसिस नहीं पुछदी रहदे, उहदे च तुहाडी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होंदी है। डॉक्यू तुहानू नहीं पता किन्ना कुछ मंगवाउंदे ने, तुहानू 20-20 तां फोटो कापियां करानियां पैंदियां ने, ठीक है। 20-20 तां हलो यूज़ भी नहीं होंदियां, लेकिन इंस्ट्रक्शन दे विच बकायदा इन्नी इन्नी 15-15 कापियां लिखियां होंदियां ने, 15 कापियां आधार कार्ड दियां, 10th दे सर्टिफिकेट दियां, करैक्टर सर्टिफिकेट दियां, फिर है ना तुहानू अपने सारी फैमिली दियां फोटोआं लैके जानियां पैंदियां ने। सो दैट मीनस ओवरऑल बहुत कुछ हुंदा। सो अगर तुहाडी फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा जिहड़ा हैगा जनरल कैटेगरी तो बिलोंग करदा, ठीक है, हुण उहनूं किन्ने परसेंटेज मार्क्स चाहीदे ने, 70% मार्क्स चाहीदे ने। फॉर एग्जाम्पल तुसीं ने फॉर एग्जाम्पल उह बच्चे दे किन्ने नंबर आ गए, 60% आ गए, कोई बच्चा जनरल तो बिलोंग करदा है 70% नंबर चाहिए ने, फॉर एग्जाम्पल 60% आ गए, इस बच्चे ने फॉर एग्जाम्पल अपना एग्जाम तो देता और एग्जाम क्लीयर भी कर गया, लेकिन जो तो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होएगी ना, फिर इस बच्चे नू निगलैक्ट कर दिया जाऊगा। क्यों? क्योंकि तुहाडी बेसिक कंडीशन ही नहीं पूरी हैगी। सो दैट मीनस एग्जाम देन जरूर जाए, लेकिन अगर तुसी कोई कपड़ा वगैरह करोगे तो वह फड़े जाओगे। सो दैट मीनस हाँ ये हो सकता कि जो कई बार बच्चे घट जाते हैं तो जी सरकार है ऑटोमैटिकली परसेंटेज थले कर दें कि इन्ने परसेंटेज वाले भी आ जाओ साढ़े को, ठीक है। बट इस बार चांस घट ने क्योंकि स्कूल ऑफ एमीनेंस आ गया, ठीक है, शायद ये चाहते हैं कि ज़्यादा बच्चे उधर नूं जाण। चलो वो मेरा दिस इज़ नॉट माई डिपार्टमेंट एट ऑल, सो मेरा काम से तुहानूं गाइड करना और अपनी फीडबैक जी है कमेंट सैक्शन देंदे रहा करो। और उस तो बाद रजे थैंक यू सो मच फॉर दिस मच सपोर्ट, आप जे है 600 तो ज़्यादा आप सबसक्राइबर हो गया, आई होप कि तुहाडे जान तो पहला मेरे 1000 सबसक्राइबर हो जाए, सो प्लीज़ थोड़ी जी सपोर्ट कर दौ, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लैस यू एंड माई बच्चा पार्टी, ऑल द बेस्ट।